जय भोलेनाथ और आवारा दूसरा दिन है, उठ गए हैं सुबह के बज रहे हैं फिलहाल 5, रात में सोए थे 2 बजे, 3 घंटे का रेस्ट लिया हमने और रात में जो एडिटिंग करनी थी वो भी कर कर आके मैं सो गया। फिलहाल अभी सुबह सुबह नाश्ता करना है, बाहर आके नाश्ता कर रहा है, अंदर इतनी उमसी हो रही है। देखो ढाबे में इतना बड़ा ढाबा है, फुल एसी दिखा है, बट द थिंग इज अब भी बारिश आई थी ना, देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, पीछे देखो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तो हमने सुबह के लिए भी चाय रख ली है, अंदर बैठे थे हम, अंदर ही सब कुछ कर रहे थे, बट अंदर से उठ के सारे बाहर आ गए। देखो सार बाहर बोले सो रहे हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 5, यहाँ कुछ बोले सो रहे हैं। 10-15 मिनट में हम भी नहा के निकल लेंगे यहाँ से, 10 से 15 मिनट किलोमीटर और खींचेंगे और उसके बाद ओ मामा देखो पीछे बैठ गए, देखो मामा आ गए, मामा उस साइड सो रहे थे रात में और हम इस साइड इस ढाबे में थे। जय बोलेगी मामा, मामा तुम तो बिना बताए निकल रहे थे, फोन मार दिया था लड़के को ना ना सुबह मामा चाहिए। सो गाइस पीछे अपनी कलश और 50 मिनट्स हो गए चलते हुए, स्टार्टिंग कर दी हम लोगों ने, नहा धो के पूजा वूजा कर ली थी और शूटिंग करा, उससे पहले हम लोग निकल गए थे। देखो पीछे रुके हैं, ये 3 किलोमीटर स्टार्टिंग करी थी हमने, 3 किलोमीटर हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर अभी निकलेंगे, ऐसे रुकते रुकते रेस्ट करते 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 निकलेंगे। दे तो अपने बोले तो भाई साहिल बोला निकल गया आगे, हम लोगों ने ले लिया बैक कवर दोनों ने और यहाँ स्थित पहुँच चुके हैं टंकी के पास। ये पहला या दूसरा शिविर दिखा है हमारे को, अभी हम रुड़की से हैं समथिंग 15 किलोमीटर है और ये रोड पूरा दिल्ली जा रहा है, उस साइड जो रोड देखो हरिद्वार के लिए जा रहा है। अब ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये रुड़की के बाद सारी गाड़ी बंद हो जाएगी, एक तरफ का पूरा हाईवे ना पूरा बंद हो जाएगा, खाली ये कांवड़िया वाले रहेगा, जितनी भी गाड़ी दिख रही है ना एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी जितनी भी दिख रही है आप लोगों को। तो चल रहे हैं, यात्रा बढ़िया चल रही है अपनी, मंगल हो अपनी यात्रा, आज यही दुआ करना आप लोग कि सुख शांति से और अच्छे से हम लोग घर पहुँचे और जल चढ़ाए। जय श्री राम। अभी हम पहले टोल पे पहुँचे हैं, ये पता नहीं कौन सा टोल है, सारे डीजे खड़े हैं, पता नहीं मेरठ से भी तगड़ा कंपटीशन होता है ये पता नहीं, डीजे खड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ डीजे, देखो लैंडते हैं सारे के सारे डीजे खड़े हैं। तो भाई दूसरा रास्ता हमारा फिर 15-20 मिनट का साई कावड़ चला रहा था, आप हमारे यश घोड़े कावड़ चला रहे, देखो कहाँ गए ये हमारे यश घोड़े, छोटा मेरठ है। ये क्या चाहते हैं हम कि मेरठ मान लें, छोटा मेरठ मान लें। ये देखो कितनी सुंदर कावड़े हैं यहाँ पे, घोड़े कुछ रेस्ट कर रहे हैं, ये मेन हाईवे है, इट्स कॉल्ड मेन हाईवे। डीजे को ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, इतनी देर से चले जा रहे डीजे ख़त्म नहीं हो रहे। ये देखो और आ गया, चलो वो बैठे अपने बोले मेरे, और हमारा थर्ड स्टॉपेज है ये रही अपने पिछू झूला कावड़, और यहाँ पर शिविर है, थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे, हो रहा है लंबा रेस्ट लेंगे हम 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद ही कुछ खा पी के फिर वापस हमारी यात्रा स्टार्ट करेंगे सिल हाईवे। गाड़ी पीछे हम बोले, हम लोग रेस्ट दिखा दिया देखिए पतंजलि के वहाँ पे, यहाँ पर पतंजलि की तरफ से है, और ये देखो खाने में क्या क्या है, पूड़ी है और चावल है, देसी घी का हलवा और ये आलू की सब्जी,
वहाँ पे एक चीज और थी जो हमने ली नहीं, कड़ी की सब्जी। राइट, बज रही है शाम के 4, हम 12:30 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सेवा वगैरह खोल रखा है, तो मतलब खाना पीना लो या कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह तो वो लो और थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। यही चीज़ देखते हैं कि देखो चार्जिंग पॉइंट का दे रखा है, यहाँ हमारे दोनों बोड़े रेस्ट कर रहे हैं। हमारे को हो गए फिलहाल 4 घंटे, क्योंकि हम 1 किलोमीटर भी कावड़ नहीं चला रहे। देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है यार, अभी 4:30 बज रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने चलाई है अभी। कल हो गया हमारे को, आज सुबह 6 बजे चलाने लगे थे, 6 बजे से लेके 10 बजे तक हमने चलाई। फिर उसके बाद हमने चलाया आई थिंक 11:30 बजे से, 11:30 बजे से लेके हमने चलाया 12 या 12:30। हमारी हालत ख़राब हो गई है, फिर हमने रेस्ट ले लिया क्योंकि धूप में बिल्कुल नहीं चल पा रही। अब ठंड ठंड चलाएंगे बिल्कुल, और खा पी भी लिया, अभी चाय वगैरह पियेंगे और नहा धो के निकलेंगे, क्योंकि ना खाना खाने के बाद और फ्रेश वगैरह होते हैं, तो उसके बाद हमारे को ना नहाना होता है, और नहाने के बाद ही हम कावड़ उठा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं उठा सकते। तो देखो इतने सारे घोड़े यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। शॉप है किसी की, उसमें ये अभी सीज़न होता है सावन का, तो उसमें जगह जगह खोल रखी है, तो वैसे ही कर रखा है। देखो तो गाइस शाम का थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, पाले जी चाय, बाबू जी भी हमारे चाय नाश्ता कर रहे हैं, और धूप हो चुकी है बिल्कुल अब कम, अब हो चुके हैं धूप कम, तो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर अब टॉप निकल जाएंगे यहाँ से रुड़की। रुड़की में थोड़ा देर रुकेंगे रेस्ट करके, फिर पहुँचना हमारे को आज कैसे भी करके मंगलोर पहुँचना है, तो हमारा टारगेट है यार। 5 घंटे खराब हो गए पता, हमारे धूप के चक्कर में 5 घंटे खराब हो गए धूप के चक्कर में, कह रहा हूँ। पहला टारगेट है रुड़की, और अपना मेन टारगेट है मंगलोर, बस मंगलोर तो पहुँचना ही है भाई कैसे भी करके। आज 5 घंटे जो हमारे इसको बीच बीच में कवर करना है, नहीं तो अभी इस टाइम अपन रुड़की के आसपास मजे भी कर रहे होते ना, मंगलोर प्यार से पहुंच जाते। कोई नहीं करते अपन नाश्ता, लोग नहा चुके हैं और यहाँ पर कावड़ उठाई जा रही है, बैक कावड़ है क्योंकि हम तीनों हैं, तीनों एक एक कावड़ लेके चल रहे हैं। और ये हमारे साहिल बोले, यश बोले, और ये रही हमारी कलश कावड़। और देखो कितना ही बढ़िया मौसम हो चुका है, अब शाम का 6 बज रहे हैं अभी, इधर यहाँ बोले बैठे हैं। ये कावड़ इधर रखने का तरीका बता, क्यों रखा जाता है ये कावड़? देखो आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बोली है यश बोले ने कि यहाँ पर कावड़ क्यों रखी है। हम ये नीचे भी रख सकते थे, हम कहीं भी रख सकते हैं, अपने साथ टाक भी सकते थे। जैसे कावड़ नीचे रखी, जैसे नीचे कावड़ रखी ना कलश वाली, तो हम इसके प्रॉपर नीचे नहीं रखी। ये देखो इसके नीचे ना स्टैंड लगवा रखा है, मतलब ये होती है बैठी कावड़, खड़ी झूला कावड़ होती है, तो इसको हम ऊपर ही रख सकते हैं। इसको हम कहीं अपने साथ ले जा भी नहीं सकते, मतलब कहीं भी बैठ के पानी भी नहीं पी सकते हम इसमें, ना खाना खा सकते। इनको हम रख के मतलब ऊपर झूला के, और उसके बाद कहीं भी जा सकते हैं। आने की जय, जय बोले बाटे, जय बोलेगी तो हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है 5:50 पे, और सबसे पहले हमारे साहिल बोले ने ये यात्रा को स्टार्ट कर दिया। हवा मार को सीधा जाना रुड़की, रुड़की हमारी पहली डेस्टिनेशन है। और ये देखो यहाँ पर हम रुके थे, और अब यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं। बोले दिखा वहाँ पे, दिखा आगे की यात्रा हम स्टार्ट कर दिए नेक्स्ट। सो गाइस मेरा टाइम 119 किलोमीटर, दिल्ली 180 किलोमीटर, और मुजफ्फरनगर है 61 किलोमीटर, और अभी 6:30 हो गया है। चलते चलते कावड़ी आ रहे हैं, क्या सुहाना मौसम हो रहा है। 1 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ रेस्ट कर रहे हैं बैठ के, अभी पहुँचे ही हैं। ये रही अपनी कावड़, और ये रही अपनी दूसरी कावड़। ये देखो अब ये फिर से हाथ धो के कावड़ उठाएगा, अब पहले साहिल उठा रहा था, अब यश उठाएगा। बोल शंकर भगवान ने की जय, उठाओ बोले उठाओ,
बहुत शंकर भगवान ने की जय। चलो बोले सो गया यार, रात का टाइम, दिन ढल चुका है बिल्कुल, और अभी हमारे को करनी है पूजा। ऑन रोड बैठे हैं हम, ये रही हमारा कलश और बैग कावड़ आ गए हैं, झूला कावड़ घोड़ा आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब आएगा मज़ा क्योंकि अब डीजे के साथ निकलेंगे, अब एनर्जी डबल हो जाएगी अब हमारी, क्योंकि अब रास्ते का पता नहीं चलेगा कि रास्ता कब कट गया हमारा। क्यों बोले, एक एनर्जी ये भी है, खाने पीने की एनर्जी, दो चीज़ है। झंडे दे दो रात के बज रहे हैं 8 और पहले हम धो रहे हैं हाथ, घेरी अपनी कावड़, ठीक है, और अब मेरी बारी है कावड़ उठाने की, और ये दोनों उठाएंगे बैक कावड़ जो यहाँ टंगी हुई है। ओके चलो, टाइम हो गया अब अपने उठाने का, 2 से 3 किलोमीटर निकालते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे करते करते, आज मंगलोर पहुँच रहे हैं, मंगलोर है यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर, तो मंगलोर पहुँच जाएंगे 2 से 2.5 घंटे में, ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अपन मंगलोर में। बहुत शंकर भगवान की जय। तो चल दिया हूँ मैं, आपको दिखा रहा था जैसे कि मंगलोर निकलना है, तो 500 मीटर निकाल दिए अभी मैंने, बहुत बढ़िया कावड़ चल रही है घोड़े की दया से, देखो पीछे आ रहे होंगे साहिल और यश, जिसके पास ये भी कावड़ होती है ना, ये देखो जल होता है ना, वो बहुत अच्छा आगे आगे होता है, आगे आगे चलता रहता है, कभी वो पीछे नहीं रहता, ये मैंने चीज़ नोटिस करी है लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, देखो सारे बोले चल रहे हैं ना। हर महादेव जा चुके हैं अभी हम लोग, 8 किलोमीटर दूर हो रहे हैं मंगलोर, पूरी अपनी कावड़ स्टॉपेज ले लिया हमने, ये लास्ट टाइम बोले हमारे को वहाँ मिले थे लास्ट स्टॉपेज पे, और यहाँ भी मिल गए। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, ये बोले की कावड़ है यहाँ पर अपनी, 21 किलो की है ना, बोले 25 किलो की है, ये है ये वाली कावड़, 12.5 किलो की है। तो अभी थोड़ी देर हम लोग कर रहे हैं रेस्ट आधे घंटे समथिंग, उसके बाद निकलना हमारे को मैंगलोर, बैंगलोर ना, मंगलोर, हम तो बैंगलोर ही बोल देंगे, बंगलोर, तो बंगलोर से पहुंच जाएंगे। निकल चुके हैं हम लोग रेस्ट करके आधे घंटे का, बोले बोले, और निकल रहे हैं मंगलोर के लिए, मंगलोर से 7 से 8 किलोमीटर दूर है अभी हम, और 1.5 घंटे 2 घंटे में लगा देंगे, 1.5 से 2 घंटे में, अभी फिलहाल बज रहे हैं 9:30, तो 11:30 बजे तक कोशिश है पहुंच जाएंगे। मेरे साथ चल रहा है यश और आगे चला रहा है कावड़ साहिल, जा रहे हैं सीधा मिलते आप। गाइस हमने कर लिया स्टे और यहाँ कम करेंगे रेस्ट, साहिल आ रहा है और यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग ऑर्डर ढाबे पे हम, और यहीं स्टे करेंगे हम आज, तो पहले दे देते हैं ऑर्डर। लो जी आ गया, कितनी दाल मखनी और ये रोटी, ये लग गया अपनी प्लेट, ये आ गया बोला
और ये अपना बोला और मैं भी आपका बोला अपन खाना। तो गाइस हो गया हमारा लोगों का खाना और आज हम लोगों ने चला 26 to 27 किलोमीटर समथिंग चल दी। आज हमारा 5 घंटे का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ बहुत ही तेज़ धूप थी। 12:30 से लेके 5:30 बजे तक हमने स्टॉप ले रखा था, मजबूरी थी। अगर हम लोग चलते तो हमारी डबल एनर्जी वेस्ट होती। तो इस चक्कर में अब क्या डिसाइड कर रखा है, कल का फिर से प्लान बना रहेगी, ऐसे ऐसे शेड्यूल करना है ताकि गर्मी भी हो ना दोपहर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह हम लोग कोशिश करेंगे कि सुबह 6 बजे, जैसे आज हम लोगों ने कावड़ उठा ली थी तो वैसे ही आज कल कावड़ उठा लें। और कंधे थोड़े से अब हो गया, स्ट्रेच हो गया और थोड़े टाइट हो गया। इट्स लाइक अ एक्सरसाइज। तो भी देखो पीछे सोऊंगा मैं, जा दिखाया था। सो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कर देता हूँ एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, तुम्हारे भाई का चैनल है स्वेक्चर सेट का। गुड बाय एंड जय भोलेनाथ।